सुशांत सिंह राजपूत केस में आ रही है अब तक की सबसे बड़ी खबर। भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने रिया चक्रवर्ती को लेकर किया बड़ा खुलासा। जी हां, आपको बताएंगे ये पूरी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्लैब समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। रिया चक्रवर्ती फाइनली 74 दिन बाद SSR केस में सामने आई। उन्होंने आज तक में एक इंटरव्यू दिया और सुशांत से रिलेटेड बहुत सी बातें शेयर की। उन्होंने यूके ट्रिप से लेकर सुशांत की डिप्रेशन थ्योरी सारी बातें सामने रखी और रिया के इन्हीं सभी बयानों के कारण अलग अलग जगह से लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं। बहुत से लोग उनसे निराश और उन पर अपना गुस्सा जाहिर करते नज़र आ रहे हैं और अब मनोज तिवारी ने रिया चक्रवर्ती को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और काफ़ी बड़ा खुलासा किया है। मनोज तिवारी ने सुशांत के पेरिस का एक वीडियो शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल पर और साथ में मनोज तिवारी वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं, वो कह रही हैं कि सुशांत 3 दिनों तक पेरिस में थे और वो 3 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकले। हेलो, ये रहा सबूत। जी हाँ, ये खुद मनोज तिवारी ने शेयर किया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और साथ में लिखा है कि रिया कह रही थी कि सुशांत यूके ट्रिप में गए थे 3 दिन के लिए और वहाँ 3 दिन वो घर से बाहर नहीं निकले, और जबकि जो मनोज तिवारी ने वीडियो शेयर किया उस वीडियो में सुशांत फुल इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं अपनी ट्रिप को। और साथ में मनोज तिवारी ने ये भी कहा कितनी बड़ी झूठी है वो। कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने रिया को लेकर काफ़ी बड़ा खुलासा किया है। वेल गाइज, SSR केस में ये थी अभी तक की हमारी लेटेस्ट अपडेट। जल्दी मिलेंगे एक न्यू अपडेट के साथ।